क्लास के के लिए medical, और के लिए मेडिकल और एडवांस कंप्लीट हो गया रिजल्ट फाइनल हो गया है कुछ छोटे छोटे रिजल्ट और हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन नियरली फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक बार जो सर्किट आपने पढ़ा था आर सर्किट एल सर्किट सी सर्किट एल आर सर्किट एल सी सर्किट एल आर सी सर्किट जो सेवन टाइप ऑफ सर्किट था उसको आप एक छोटे फॉर्म में एकदम छोटा सा फॉर्म में रिवीजन के लिए एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए डेरिवेशन सारा हो गया है बट आपने देखा डेरिवेशन में खूब सारा मैथ डिफ्रेंसेसन ट्रिगोमेट्री तो आता है क्वेश्चन मेडिकल में बहुत ज़्यादा तो आप चाहे तो उसको जो आपने सर्किट को डिटेल में पढ़ा है उसको एक जगह भी आप कलेक्ट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा सा नोट्स बनाते हैं फिर उसके बाद ए सी में पढ़ना है चौकवाइ छोटा सा रिजल्ट है फिर बल्ब कुछ बल्ब से क्वेश्चन आते हैं आई में भी पूछा हुआ है और एम्स में भी पूछा हुआ है कि बल्ब इन द ए सर्किट वो डिस्कस कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले रिजल्ट सेवन पॉइंट हो गया था एट पॉइंट नंबर वन आर सर्किट ऑफ एसी यहां में कम से कम लिखना है बहुत कम लिखना है बस थोड़ा सा कि कि हम लोग जितने रिजल्ट पहले पढ़े हुए हैं उसको यहां रिपीट कर ले तो एक ड्राइंग आपको करना है और यह अल्टरनेटिंग करेंट ये है आर यह है आपका ए तो जो सप्लाई करंट है आप जानते हैं I इज sin टू आई नॉट ऑर साइन ओमेगा अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस सर्किट में तो पोटेंशियल इज इक्वल टू जो होता है वो आई नॉट आर सिंपल सा सर्किट है तो वी नोट साइन ओमेगा सिंपल जानते हैं कि वी नोट का वैल्यू क्या है तो वी नोट इज इक्वल टू आई नॉट आर इन दोनों में देख रहे हैं ये दोनों में आपका फेज फेज जो होगा आपका तो फेज डिफरेंस जो है इसमें जीरो आर सर्किट सबसे सिंपल सर्किट फेज डिफरेंस जीरो है और अगर आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा आई और वी आई वी पैरेलल हो जाएगा तो अगर आपने बनाया है आई के लिए इसमें पोटेंशियल पैरल रहेगा फेज डिफरेंस जीरो वी हो गया बहुत थोड़ा सा लिखना है और जिसमें सब कुछ आ जाए पावर फैक्टर पावर फैक्टर पावर फैक्टर हो गया फाई, फाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो पावर फैक्टर वन होगी और पावर कंज्यूम जो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस्ट फाइव तो पावर कंज्यूम तो ये रिजल्ट है आपका वी आर एम एस आई आर एम एस तो डायरेक्ट कर लेंगे और वी नॉट बाई रूट टू कर लेंगे और यहाँ कॉस फाइव कॉस फाइव वन होगी होगी बस इतना ही लिखना है तो तीन चार लाइन बस आपको लिखना है और वैसे ही आपका सारे सर्किट जो कि आप सर्किट आपने पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा बस आप नोट करिए पे तो पूरा डिटेल में आपने डेरिवेशन कर लिया है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है सब में है नेक्स्ट एल सर्किट कर लेते हैं। तो एल सर्किट ऑफ एसी और इसके बारे में जो कुछ भी है सब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ये है आपका एल और ये है एसी जो हम लोग सप्लाई करेंट दे रहे हैं तो सप्लाई करेंट यहाँ पे आप जानते हैं कि आई आईज इक्वल टू आई नॉट और साइन अगेटिव ठीक है तो इसके रिफरेंस में हमें पोटेंशियल चाहिए ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना था जो कि हम लोग कर चुके हैं थोड़ा मैथ यूज करना था एल डी आई वाई डी टी तो आप पोटेंशियल जब आपने बनाया था तो ये आया था वीनोन <coughs> साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू याद आ रहा है वोल्टेज लीड करता है इस केस में नाइन्टी डिग्री से तो ये आया था आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ये ऐसा जहाँ पूछा जाता है कि वी नॉट क्या है तो वी नॉट तो आप जानते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट और एक्स एल था एक्स एल ओमेगा एल सो तो आई नॉट और ओमेगा एल टू पाई एफ एल भी लिख सकते हैं नेक्स्ट और दोनों के बीच में आप फेज डिफरेंस आप फेज डिफरेंस जो है वो है आपका आइंटी डिग्री ठीक है पावर फैक्टर जीरो पावर कंज्यूम जीरो तो पावर फैक्टर कॉस जीरो और पावर जो है वो कंज्यूम जो हुआ जीरो प्योर इंडक्टर सर्किट है और सर्किट में पावर कंज्यूम जीरो होता है वाटलेस करंट फ्लो करता है और अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय फेज आर नाइन्टी डिग्री तो ये है करेंट और यह वोल्टेज तो वोल्टेज लीड कर रहा है और 90 डिग्री फेज से तो यह रिजल्ट यही तो था बहुत छोटा सा रिजल्ट सो ऐसे ही एल के बाद सी सर्किट करते हैं जहां एक्सल जो होता है आप जानते हैं कि एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टर्स और टू पाई एफ एल तो इसका भी ग्राफ हम लोग पढ़े हुए थे

तो ये है आपका ए सी और वो सी सर्किट स्टार्ट करते हैं यहाँ जो सप्लाई करेंट रहेगा वो सप्लाई करेंट आप जानते हैं कि यहाँ जो सप्लाई करेंट है आई आई इज इक्ल टू आई नॉट और साइन ओमेगा ये हो गया तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना था और वोल्टेज कैलकुलेट करने में यहाँ इंटीग्रेशन था हम लोग पढ़ चुके हैं बस ये रिविजन है और इंटीग्रेट जब हम लोग किए थे तो ये रिजल्ट आया था वी वी इज इक्वल टू वी नॉट और ये साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव बाई टू आया था ये माइनस फाइव बाई टू तो फ्रिज डिफरेंस फिर से नाइन्टी डिग्री है और इस बार जो है पावर जो होगी वोल्टेज होगा लैक कर रहा है अब पहले विनोट कर लेते हैं तो ये जो विनोट था आई नॉट और ये होता है एक्ससी और आई नॉट और एक्ससी जो होता है वन बाई ओमेगा सी होता है आप लिख सकते हैं आई नॉट और वन बाई ओमेगा सी को आप लिख सकते हैं टू पाई एफ और सी ऐसे ग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है एक्स सी के बारे में ठीक है ये हो गया और दोनों के फंक्शन आई और वी के बीच में जो फेज डिफरेंस देख रहे हैं फेज डिफरेंस जो है वो नाइन्टी डिग्री और पावर फैक्टर जो कॉस फाइव होता है पावर फैक्टर तो ये हो गया जीरो और जो पावर कंज्यूम हो गया वो भी हो जाएगा जीरो ठीक है और ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे कर लीजिए और इसमें वोल्टेज लैक कर रहा है जैसे ये करंट है और वोल्टेज जो है वो लैक कर रहा है ऐसा। ओके तीन सर्किट तो एकदम सिंपल सिंपल अब हम लोग को पेयरिंग करना है एक आर और एल के साथ आर और सी के साथ वो भी बहुत ईजी बहुत ज़्यादा इजी है देखिए तो मैंने बताया था कि आप पूरे रिजल्ट को एक पेज में भी कर सकते हैं और यही तो है एक जगह आप कलेक्ट करेंगे तो एक पेज में हो जाता है सेवन सर्किट इसलिए मेडिकल में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और ये सब आप देखते रहिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो ये सब हिंट है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है उससे आप सर्किट पहचानेंगे आप तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट एल आर सर्किट ऑफ एसी देखिए और बहुत कम जगह में हम लोगों को पूरा नोट करना है। यह आपने सप्लाई ये एसी है ये है एलआर ये एल है और आर ठीक जो सप्लाई करंट है वो सप्लाई करंट आई है, ये है आई नॉट और साइनोमेगा ये है सप्लाई और हम लोग कैलकुलेट किए थे इसमें पोटेंशियल हमें पोटेंशियल निकालना था जो कि आपका आ, वी आर आ, प्लस वी एल थोड़ा सा मैथ था थोड़ा सा सिंपल सा रिजल्ट था और हम लोग जब कैलकुलेट किए थे तो ये आया था वी इज इक्वल टू वी नॉट और ये आया था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्योंकि ये एल सर्किट है एल सर्किट में तो वोल्टेज लीड करेगा एल और आर सर्किट है तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है तो आप अगर ड्राइंग करेंगे तो यहाँ आपका फिजर डायग्राम बनाएंगे तो फिजर डायग्राम में कुछ ऐसा है। ये ये है करंट ये करंट हो गया और वोल्टेज जो है इस बार लीट करेगा ऐसा फेज है फाइव देखिए ऐसा वोल्टेज लीट करेगा अब ये फेज जो है ये फेज निकालने के लिए तो हम लोग ने फेजर डायग्राम बनाया था फेजर डायग्राम कुछ ऐसा था इंपीडेंस ट्रायंगल इंपीडेंस ट्रायंगल ये है आर और ये कहलाता था एक्सएल और ये था फेंक जाएगा ऐसे ये वाला निकाल देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ठीक तो हम लोग ने डायरेक्ट किया था इसका और ये वी नॉट क्या है और पावर फैक्टर क्या है इसमें क्वालिटी फैक्टर भी आता है तो वो हम लोग सब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले वी नोट इसमें जो आपने बनाया था वो वी नॉट क्या है तो वी नॉट था आई नॉट और इम्पीडेंस था जेड एल आर का ये क्या होता है तो ये हो गया आपका आई नॉट और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर ये एक्सएल तो आप जानते ही एक्सएल टू पाई एफ एल एल तो ये सब आप जानते हैं ठीक है ये नॉट के लिए हुआ कि अगर i नॉट अंदर करेंगे तो आप चाहे तो सॉरी v नॉट को आप लिख सकते हैं √ vr² और vl का स्क्वायर लिख सकते हैं अब क्या-क्या बच गया अब आपका बच गया पावर फैक्टर तो वो तो ट्रायंगल बता देगा इस ट्रायंगल को देखेंगे इस ट्रायंगल को देखेंगे तो पावर फैक्टर जो हुआ आपका हुआ r अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर होगी ठीक फेज डिफरेंस चाहिए यहाँ से तो ये ट्रेंगल आपको सब कुछ बता देगा फेज डिफरेंस टैन इनवर्स एक्सएल बाई आर ये फेज डिफरेंस नेक्स्ट इसमें क्या क्या था आपका एक टर्म था क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर था वो था वी पोटेंशियल एक्रॉस इंडक्टर आर डिवाइड बाय पोटेंशियल आर तो जो क्वालिटी फैक्टर था एल आर बाय तो ये है आई कट तो जाएगा तो एक्सएल आर डिवाइड बाय आर और एक पावर कंज्यूम हो गया मैं नीचे देख लेता हूं थोड़ा कैमरा में कि ये कट तो नहीं रहा है अब ठीक है तो ये हो गया और एक पावर कंज्यूम चाहिए तो पावर आप जानते हैं पावर कंज्यूम में आप पढ़े हुए हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव तो कई तरीका है मैंने आपको अलग अलग मेथड समझाया था तो एक तो ये है वी आर एम एस तो ये है वी नॉट बाई रूट टू उसके help से निकालना है। निकालने के बाद ऑफ़ द पोटेंशियल निकालना है वो वीएल और वी आर के डर में निकालना है फिज डायग्राम जानना है इम्पिड ट्रैंग आपको बनाना था उससे आपको फिज डिफरेंस मिल जाएगा उससे पावर फैक्टर मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर जाना था इस केस में और पावर कंज्यूम था पावर कंज्यूम के लिए और भी अलग अलग फॉर्मूले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर आर सर्किट कर लीजिए इसी कर लीजिएगा यह है एसी और आरसी सर्किट में यह आर लगा हुआ है और एक सी है। तो आरसी सर्किट सी का यह है आरसी सर्किट और यहां पे करंट जो है मान लीजिए सप्लाई करंट है तो सप्लाई करेंट I इज टू आई नॉट और ये है साइन ओमेगा ठीक और मुझे चाहिए पोटेंशियल इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए तो आप जब कैलकुलेट किए हुए थे तो पोटेंशियल वी आर प्लस वी सी वी सी कैलकुलेट करने में इंटीग्रेशन था और जब आपने सॉल्व किया था तो ये आया था वी नॉट और साइन और ओमेगा टी और माइनस ऐसे था यह आपका था पढ़ा हुआ आपका और आपका जो फिजर डायग्राम है उसमें वोल्टेज लैक करेगा यह करंट के लिए और यह है वोल्टेज के लिए लैक कर रहा है ओके okay. बाकी आपको ये नॉट निकालना है फेज डिफरेंस निकालना है फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये आपका एक ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल आप डिजाइन कर लेंगे ये जानते हैं कि ये है एक्स सी हो गया और ये है आर हुआ और ये है आपका फाइ ऐसा ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर यह है इम्पिडेंस का ट्रैंगल ऐसे यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस टेन इन और एक्स सी बाई आर हो गया अब हमें कैलकुलेट करना है वी नॉट क्या था तो जैसे ये है वो वही सेम रिकट वी नॉट, आई नॉट और जेड आर सी था जिसका मतलब आई नॉट जेड आर सी का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स सी का मतलब स्क्वायर

नेक्स्ट पावर फैक्टर पावर फैक्टर यहाँ से निकाल देंगे कॉस फाइव आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर ये हो गया और पावर कंज्यूम जो हुआ वो सिंपल फॉर्मूला वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट टू और आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू और कॉस फाइव है बहुत आसान है देखिए सब डेरिवेशन हो गया है हम लोग बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में हम लोग को हेल्प करेगा ये और नेक्स्ट हुआ एलसी सर्किट एलसी सर्किट एलसी सर्किट ऑफ एसी और ड्राइंग करते हैं इसमें तो ये एल है और ये सी एल सी सर्किट ऑफ ए सी चलिए तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है एसी है और यहाँ पे जो सप्लाई करंट हुआ वो करंट सप्लाई करंट हुआ आई इज एक टू आ, आई नॉट और ये है साइन ये और हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल तो पोटेंशियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन है यहाँ इंटीग्रेशन है और हम लोग जब पोटेंशियल बनाए थे तो वी वी नॉट ऐसा ठीक है और यहां जो फेज डिफरेंस हुआ करता था वो था नाइन्टी डिग्री तो ये था आपका साइन साइन ओमेगा टी प्लस नाइन्टी डिग्री ऐसा नॉट तो निकालना है फिर आपको फेज डिफरेंस है तो यहां वी वीनोट वी नोट इज इक्वल टू आई नॉट और जेड सी एल सी और ये जेड एल सी था वो हम लोग कैलकुलेट किए थे ये था एक्स एल माइनस एक्स सी हुआ करता था इस तरह का अगर आप वी नॉट निकालेंगे तो ये आ, आई नॉट चला जाएगा तो ये हुआ वी एल और माइनस वी सी हो जाएगा एस पोटेंशियल डिफरेंस फेज डिफरेंस देखेंगे तो फेज डिफरेंस तो है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री और अगर नाइन्टी डिग्री है तो कॉस फाइव तो जीरो हो जाएगा कॉस फाइव यहाँ पे जीरो है पावर फैक्टर जो हो जाएगा वो जीरो है कौन लीड कर रहा है कौन लैक कर रहा है तो वो तो डिपेंड करता है तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसे ये फेज डायग्राम है ये है फर्स्ट केस ऐसा है कि ये करंट ऐसे रहने दीजिए और अगर आपका वोल्टेज वोल्टेज बना रहा है ऐसे तो ये तब पॉसिबल है जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी अगर इंडक्टर लीड करेगा तब तो वोल्टेज नाइन्टी डिग्री के फेज से आगे बढ़ेगा नेक्स्ट अगर ऐसा हो गया अगर ये नीचे गया वोल्टेज तो ये हुआ एक्स एल और लेस देन एक्स सी क्या आप कर सकते हैं कैपेसिटर लीड कर रहा है एक्स सी ग्रेटर देन एल कैपेसिटर लीड करेगा और अगर ऐसा हो तो ये वाला केस जो होता है कि जहां पे दोनों बराबर हो जाए एक्सेल और एक्स बराबर हो जाए तो उस केस पे फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो ये है आप रेजोनेंस का केस हो गया तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये रेजोनेटिंग केस हुआ और रेजोनेंस में आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो यहां लिख लेंगे एट रेजोनेंस एक्सेल मस्ट बी इक्वल टू एक्ससी इस तरह ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो वन बाई अंडर उल सी फ्रीक्वेंसी वन बाई टू पाई अंडर उल सी टाइम पीरियड टू पाई अंडर उल सी तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर रेजोन आ गए तो उस केस में आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब पढ़ा हुआ है तो यही था आपका छोटा सा फोन जो एल सर्किट के लिए और लास्ट में एनआरसी सर के सिक्स पॉइंट था और ये है सेवन पॉइंट एलआरसी सर्किट ऑफ एसी तो इसमें कैपेसिटर भी कर लीजिए और इंडक्टर भी ये हो। तो ये एसी है जिसमें एलआरसी सर्किट एल भी है आर भी है और सी भी है तो जब हम लोग इसका डिस्कस किए थे इसका पोटेंशियल जब कैलकुलेट किए थे तो कुछ ऐसा आया था तो V और V नॉट और ये आया था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव क्या है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ सबसे पहले है कि V नॉट क्या है तो V नॉट जो आया था इसमें वो था I नॉट और वो जेड इम्पीडेंस ऑफ एल आर सी के लिए और ये क्या होता है तो वी नॉट जो था वो आई नॉट और ये था अंडर रूट ये आर स्क्वायर प्लस आर एक्स एल माइनस आर एक्स सी का स्क्वायर था ये ये था और जब ये आई नॉट सबको अंदर करेंगे सब अंदर कर लीजिएगा तो ये वी नॉट जो हुआ वो है अंडर रूट और ये है वी आर स्क्वायर प्लस आर वी एल माइनस वी सी vc vl माइनस vc का स्क्वायर ये नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए अ फेज डिफरेंस अ फेज डिफरेंस क्या है तो उसके लिए जो ट्रायंगल ट्रेंग, है इंपीडेंस ट्रायंगल वो आप बना लीजिए इम्पीडेंस so, ट्रैंगल से फेज डिफरेंस उससे पावर फैक्टर सब कुछ तो मिल जाता है तो इम्पीडेंस ट्रेंगल इसका कुछ ऐसे बनेगा यह है आर यह एक्सएल माइनस एक्स सी और यहां पे ऐसे करेंगे तो यह है आर स्क्वा एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर यह है फाइव तो ये जो आपका हुआ सर्किट अब आपका फेज फेज डिफरेंस चाहिए तो टेन फाइव यहाँ से आप टेन फाइव निकाल सकते हैं तो फाइव फाइव इज इक्वल टू टेन इन टेन inverse और ये है एक्स एल माइनस एक्स सी और बाई आर तो ये है फेज डिफरेंस के लिए बन गया पावर फैक्टर चाहिए cos phi आप निकाल लेंगे अच्छा वो वो भी चाहिए था ना क्वालिटी फैक्टर भी तो उस वाले इससे पहले वाले सर्किट में वो कर लीजिएगा वो आपका यहाँ पे पावर फैक्टर चाहिए phi तो कॉस फाइव जो होता है यहाँ से आप देखेंगे तो कॉस फाइव आर डिवाइड में अंडर रूट आर स्क्वा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर ठीक और ये पावर जो कंज्यूम हुआ वो आप जानते हैं वी आर एम एस तो वी नॉट बाय रूट टू आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाइव कॉस फाइव जो हुआ वो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल एक्ससी का स्क्वायर होगी और फिर मेथड है वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अब इसमें एक फिजर डायग्राम हो गया और जो क्वालिटी फैक्टर होता है तो इसका क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको बताया था क्वालिटी फैक्टर जो होता है इसमें वी एल और डिवाइड बाय वी आर या फिर आप लिख सकते हैं वी सी डिवाइड बाई वी आर वी एल जो है आई एक्सएल तो एक्स और आई आर तो बाई आर कर सकते हैं आप चाहें तो एक्स सी और डिवाइड बाई आर भी कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो यहाँ पे ओमेगा एल और डिवाइड बाई आर कर सकते हैं या वन बाई ओमेगा सी इंटू आर कर सकते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं ओमेगा की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट एल सी क्योंकि तो अभी आपने पढ़ा था कि रेजोनेंस में ये होता है तो जब आप ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं वन बाई तो ये हो गया वन बाई आर और यहाँ पे चाहे वहाँ कहीं भी रखेंगे तो ये हो गया ऊपर में अंडर रूट एल बाई सी ये है रिजल्ट ये। और आपको फिजर डायग्राम चाहिए तो फिजर डायग्राम इसका बना लेंगे फिजर डायग्राम फिजर डायग्राम कुछ ऐसा कर लीजिएगा So, इसका सर्किट का हम लोग फेज डायग्राम पढ़े हुए थे कि ये करंट और पोटेंशियल के लिए ये है डायग्राम करंट के लिए नेक्स्ट पोटेंशियल लीड करेगा बाय फेज फाइव ये तब पॉसिबल है जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्स पोटेंशियल लैक करेगा फेज फाइव से ये तब होगा जब एक्स सी ग्रेडर हो एक्स एल से ऐसे और अगर फेज में रहे तो ये ऐसे हो जाए जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाए तो देखिए ये रिवीजन कंप्लीट हो गया आपका तो ये एक बार रिवीजन भी हो गया सारा सर्किट का तो सारे सर्किट को अलग अलग हम लोग ने ब्रेक भी किया है uh, कंप्लीट कर लिया है एक एक अलग अलग सर्किट को ब्रेक करके कि कैसे डिराइव करना है कैसे रिजल्ट आता है पावर फैक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर के लिए फिजर डायग्राम सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब एक जगह मैंने सारा सर्किट को यहाँ पे कलेक्ट कर दिया अब एसी में क्या है अब नेक्स्ट चौक क्वाल चौक वाल है कुछ बल्ब बल्ब यूज करना है अल्टरनेटिंग करेंट में कुछ पैरल सर्किट भी सो so, स्टार्ट करते हैं सो अल्टरनेटिंग करंट में एक छोटा सा रिजल्ट है चौक्वाइल के लिए तो so, चौक एक सिंपल uh, सा डिवाइस है ज़्यादा है नेग्लेजेबल रेजिस्टेंस आप डिजाइन uh, करेंगे नंबर वन तो नंबर वन में आप ऐसा प्लान करेंगे कि चॉक क्वाल इट्स अ डिवाइस हाई इंडक्टेंस हाई इंडक्टेंस सो इंडक्टेंस बहुत हाई रहेगा एंड नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जीरो के क्लोज में नेग्लेक्ट करना है नेग्लेजिबल रखना है एंड नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस विच यूज टू कंट्रोल करेंट इन एसी विथ मिनिमम पावर लॉस इसमें पावर लॉस बहुत कम होगा सो so, डिवाइस है विच हैव हाई इंडक्टेंस और नेग्लेजल रेजिस्टेंस एंड विच यूज टू कंट्रोल टू कंट्रोल करेंट इन एसी विथ मिनिमम पावर लॉस मिनिमम पावर लॉस तो इसमें पावर लॉस मिनिमम होता है तो हम लोग प्लानिंग करते हैं करते हैं कि ये एक डिवाइस है है जैसे आता एग्जाम में तो सिंपल आपको स्टेटमेंट लिखना है कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक हैल्टरनेटिंग करेंट सर्किट में अविथ मिनिमम पावर लॉस और चौक जैसे यूज होता है अब तो हम लोग नहीं यूज करते हैं जैसे पहले पुराना ट्यूबलाइट आता था तो जो ट्यूबलाइट है उसके लिए स्टार्टर एक छोटा सा गोला सा स्टार्टर रहता था वो जो फ्रेम रहता था मेटालिक फ्रेम है उस पर चौक वाल भी लगा रहता था तो अब तो सारा एलईडी घर में यूज करते हैं एलईडी बल्ब है एलईडी ई ट्यूबलाइट है तो उसमें चौक वाल नहीं यूज होता है पहले यूज होता था चौक वाल तो चौक वाल जो है वो डिवाइस है विच हैविंग हाई इंडक्टिस अब छोटा छोटा प्लान करते हैं डिजाइन करते हैं कि हाई इंडक्ट्स हाई इंडक्टेंस का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाल या आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाल नंबर ऑफ टर्न्स कर सकते हैं इन क्वाल तो जो क्वाल लेंगे उसमें टर्न्स uh, जो है वो मैक्सिमम जैसे एक क्वाल ले रहे हैं तो क्वाल में नंबर ऑफ टर्निंग आप बढ़ा देंगे बहुत सारा टर्निंग ऐसे बढ़ा देंगे तो इंडक्टर बढ़ जाएगा ठीक है नेग्लेजिबल उसका क्या मतलब है Resistance. मतलब आप समझ रहे हैं कि वेरी वेरी लो वेरी वेरी लो और रजिस्टर्स करना कैसे होगा वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस तो अपने टेंथ क्लास को फॉलो करेंगे या करंट में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और एल और बाई ए एरिया तो अगर हमें रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है रेजिस्टेंस को अगर हमें इसको मिनिमम uh, करना है, तो मटेरियल ले लीजिएगा सॉफ्ट आयरन कोर लेना है सॉफ्ट आयरन कोर जनरली हम लोग यूज करते हैं वाल में ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं तो ये जो इसके जो लेंथ एंड एरिया है अगर रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है तो लेंथ लेंथ जो है वो मिनिमम रखिएगा ये मिनिमम आपका और यहां पे एरिया एरिया जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम रखने के लिए तो कुछ ऐसा इस टाइप का आप डिजाइन करेंगे इस टाइप का कि ये सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे ऐसा लेंथ मिनिमम रखना है ऐसा और एरिया ज्यादा रखिएगा तो यह है सॉफ्ट आयरन कोर तो सॉफ्ट आयरन कोर ले लीजिएगा ऐसे और जिसमें एरिया ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम रखिए और लेंथ को मिनिमम करिए ऐसे ये। इस तरह से अब इन दोनों को कंबाइन करिए तो कंबाइन करेंगे तो ये चौक वाल बन जाता है देखिए चौक वाल ये तो चौकवाइल में आपको एक लेना है ऐसे ज्यादा एरिया का लेना है और लेंथ कम ही रखिए ऐसे ये और इस पर टर्निंग बढ़ा दीजिए ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे तो ये आयरन का कोर है क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया तो एरिया को मैक्सिमम रखना है ये लेंथ को कोशिश करना है मिनिमम रखने के लिए ये है आर और एल इसपे खूब टर्निंग करिए बहुत सारा टर्निंग ऐसे तो जितना भी यहां लिख सकते हैं ऐसे ऐसे टर्निंग कर तो क्वालिंग करना है तो ये रेड वाला क्वाल एल रिप्रेजेंट करेगा और सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो ऐसे ऐसा ये है चौक क्वाल तो ये है आपका चौक क्वाल सॉफ्ट आर एंड को चौकवाल का यह डिजाइन है कि जिसमें हम लोग को इंडक्टेंस uh, मैक्सिम रखना है एल मैक्सिमम रखना है और रेजिस्टेंस मिनिमम करना है और इस फिगर को आप चाहे तो इक्विवेलेंट टू uh, आप लिख सकते हैं कि यह फिगर जो है इक्विवेलेंट टू क्योंकि तो ये यूज़ किया था ए सी सर्किट में ट्यूबलाइट बल्ब जो भी घर में है वो सब तो ए सी सर्किट में यूज होता है तो हम लोग इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये है आपका एल और ये है आपका आर ये एल और ये आर तो ये क्वालिंग जो हुआ इंडक्टर हो गया और आर रेजिस्टेंस नेगलेजबल है तो आप ऐसे बना सकते हैं आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे कि ए सर्किट पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जेड जेड एल आर के बराबर जेड एल आर जेड एल तो ये वाल है वाल का डिज़ाइन हो गया कंडीशन हो गया कहाँ यूज होता है ए सर्किट में किसके लिए यूज होता है तो करेंट को कंट्रोल करना है मिनिमम पावर लॉसेस होना चाहिए तो देखिए सो तो चौक क्वाल है तो चौक क्वाल आपने देखा कि ये एसी में हमें यूज करना है और एसी में यूज करते समय ये हमें ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस मिनिमम रहे ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये क्वाल जो है ये मैक्सिमम रहे ये बहुत ज्यादा एल मैक्सिमम रहे और रेजिस्टेंस मिनिम ऐसा बहुत कम रहे और एल मैक्सिमम रहे चौकपाल में तो ही रखिए, रेजिस्टेंस जो है वो निगलेजिबल वेरी वेरी लो आप कर सकते हैं ये नेग्लेजिबुल या आप कह सकते हैं आर जो है मच मच लेस एक्सएल XL क्या है तो आप जानते हैं कि आर मच मच लेसाइल क्या है तो मच मच लेसू पाई एफ एल तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका क्वाल है उसे बहुत छोटा होना चाहिए और जब ये बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटा होने पे आप जानते हैं जेट और एलर जो होता है कि जो आप पढ़ते हैं कि अंडर रूट आर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये ये जो नेगलेजबल हो गया, ये जो नेगलेजबल है तो इस केस में यहाँ पे आप जो आर जो है बहुत छोटा है बहुत छोटा रखना है XL से तो आप यहाँ पे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं आर को नियरली आप जीरो एक्जैक्टली तो नहीं नेग्लेजल है नियरली जीरो आप कर सकते हैं तो आप ये जो सर्किट हुआ जेड एल आर जेड एल आर सर्किट इज इक्वल टू एक्सल के बराबर तो ये जो सर्किट है वो आपका एसी सर्किट में आपको इसको चेंज कर करके आप लिख सकते हैं ऐसा एसी सर्किट का इसकी जगह आप लिख सकते हैं एसिड जेड एल आर और फाइनली ये सर्किट और रिप्लेस हो जाएगा एकदम सिंपल से एकदम सिंपल सर्किट में रिप्लेस हो जाएगा और ये जो एकदम सिंपल सर्किट है वो एक्सेल के बराबर ऐसा एक्सेल का मतलब क्वालिटी बच गया रजिस्टेंस इतना नेगलेजबल है कि वो आप हटा सकते हैं और इसका मतलब जो हो गया वो सिंपल ऐसा सर्किट तो चौक क्वाल जो होता है अब देखिए नेग्लेजल आर के चलते ये आपका वनली एल सर्किट हुआ और सिर्फ एल सर्किट का मतलब इसमें पावर लॉस क्या होता है जीरो वाटलेस करेंट फ्लो करता है ठीक है तो एग्जैक्टली exactly तो नहीं है बट थोड़ा सा आर इतना कम रहता है कि इस चौक क्वाल में बहुत लो पावर लॉसेस जो होता है वो मिनिमम होता है सो so, सो so, आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट टू तो द इंडक्टर सर्किट और इसमें इंडक्टर सर्किट में जो वाटलेस करंट पावर जो हुआ कंज्यूम सो नियरली जीरो नियरली जीरो नॉट ए प्योर इंडक्टर रहता है तो जीरो होता है बट यहां आर है बहुत कम है तो नियरली आप जीरो कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि वाटलेस करेंट फ्लो नियरली वाटलेस करेंट फ्लो करेंट फ्लो थ्रू पॉइंट थ्रू पॉइंट तो चौक से ये वाटलेस करंट नियरली वाटरलेस करंट फ्लो करता था यही था आप चौकवाल पर सिंपल आपको डिजाइनिंग जानना था कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एल का वैल्यू मैक्सिमम होता है रेजिस्टेंस मिनिमम होगा नेग्लेजबल होता है और ये यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए करेंट को ए सर्किट में अब विथ मिनिमम पावर लॉसेस अब डिजाइन करना है एल मैक्सिम के लिए कॉलिंग बढ़ा दीजिए रेजिस्टेंस मिनिमम करना है लेंथ को घटा के एरिया बढ़ा दीजिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करिए ओवरलैप करने पे आर निग्लेजिबल है बहुत कम है तो आप सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं इतना लो रहेगा कि धीरे धीरे इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं इसके जगह आप एक्सेल कर सकते हैं और ये बाद में आके प्योर इंडक्टर क्वाइल में रिप्लेस हो जाता है और प्योर इंडक्टर क्वाइल में पावर लॉस तो जानते ही जीरो है तो वाटलेस करेंट फ्लो करते हैं तो यही चौक क्वाल हुआ आपका अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बल्ब एसी सर्किट में बल्ब वो आईटी एडवांस में पूछा हुआ है नीट में पूछा हुआ है एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन कि बल्ब इन एसी सर्किट वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कुछ पैरल एसी सर्किट डिस्कस कर लेते हैं और कुछ थोड़ा मोटा डीसी के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन का प्लान करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ बल्ब इन एसी सर्किट